हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहां पर मिशन चंद्रयान 2 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी की जो है एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से आपको सारी ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों, यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, जो कि आपके मिशन चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को यहां पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता चल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर निकल के आता है कि मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट को क्या नाम दिया गया है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस वीडियो से जो है आपको डेफिनेटली एग्जाम में जो है 1 से 2 नंबर का फायदा होने वाला है। तो देखिए, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 2 के रॉकेट को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों, देखिए आपके सामने ऑप्शंस यहां पर है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो दोस्तों देखिए, मिशन चंद्रयान 2 के जो रॉकेट को जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है बाहुबली, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए क्या होगा फ्रेंड्स, सही होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा और इनका जो पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर क्या है कि मिशन चंद्रयान 2 को किस दिन लॉन्च किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो है मिशन चंद्रयान 2 को जो है 15 जुलाई को लॉन्च करना था, लेकिन बाद में क्या है कि इसको 22 जुलाई को लॉन्च किया गया। तो देखिए, यहां पर आपके सामने ऑप्शन जो है इसी प्रकार से दिया जाएगा, 15 जुलाई और 22 जुलाई, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो मिशन चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहां पर, सही होगा। तो 15 जुलाई और 22 जुलाई दोनों में आपको कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर उतरेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये यहां पर। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, तो चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा के जो है दक्षिण ध्रुव भाग पर उतरेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहां पर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने निकल कर आ रहा है कि चंद्रयान 2 के रोवर को चांद पर उतरते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत जो है विश्व का कौन सा देश बन जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रमा के रोवर को चांद पर उतरते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला जो है भारत विश्व का कौन सा देश बन जाएगा। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन ए जो है तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत जो है विश्व का चौथा देश यहाँ पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि 22 जुलाई को चंद्रयान 2 को कहां से लॉन्च किया गया है, ये भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि चंद्रयान 2 को जो है 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन यहां पर किस कहां से लॉन्च किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है, जो कि 22 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने क्या है कि चंद्रयान 2 का चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए कितने दिनों का लक्ष्य रखा गया। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि चंद्रयान 2 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए कितने दिनों का लक्ष्य रखा गया। देखिए ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी 54, ऑप्शन नंबर सी 46, ऑप्शन नंबर डी जो है 50 डेज। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 दिन, मतलब यहाँ पर 48 दिनों का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि चंद्रयान 2 पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में कितना चक्कर लगाएगा, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2 चक्कर, ऑप्शन नंबर बी 3 चक्कर, ऑप्शन नंबर डी सी जो है 4 चक्कर, ऑप्शन नंबर डी क्या है 5 चक्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है चंद्रयान 2 जो है पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में कितने चक्कर लगाएगा, तो टोटल 4 चक्कर ये लगाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 2 की अंतरिक्ष में गति कितनी निर्धारित
की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रयान 2 की अंतरिक्ष में गति कितनी निर्धारित की गई। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन निकल के आ रहे हैं दोस्तों, कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। तो चंद्रयान 2 की जो है अंतरिक्ष में जो गति है वो है 10,305.78 मीटर सेकेंड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, 10,305.78 मीटर सेकेंड। तो इसमें आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम तो क्या है कि चंद्रयान 2 कब तक चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा। तो देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में जो है आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में 1 से 2 नंबर यहाँ पर पक्के होने वाले हैं, चाहे आप SSC की एग्जाम दे रहे हो चाहे रेलवे की कोई सी भी एग्जाम यहाँ पर आप देने जा रहे हो। तो चंद्रयान 2 कब तक चांद की कक्षा में पहुंच जाएगा, ये देखिए आपके सामने ऑप्शन निकल के आ रहे हैं, 29 अगस्त, 27 अगस्त, 25 अगस्त और 19 अगस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 अगस्त। तो 19 अगस्त तक क्या है कि चंद्रयान 2 जो है चांद तक पहुंच जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि चंद्रयान 2 कितने दिनों तक चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि चंद्रयान 2 जो है कितने दिनों तक चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 13 दिन, ऑप्शन नंबर बी 16 दिन, ऑप्शन नंबर सी 17 और ऑप्शन नंबर डी 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 दिन। तो चंद्रयान 2 जो है वो चांद के चारों ओर जो है 13 दिन तक चक्कर लगाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप सभी को बताया कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने से पहले चंद्रयान 1 लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये कब लॉन्च किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2008। तो ये भी आप याद रखिएगा कि चंद्रयान 1 जो है आपका 2008 में लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान जो 2 जो है आपका लॉन्च किया गया है 22 जुलाई 2019 को। तो दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आ रहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रयान 2 के जो लैंडर का नाम क्या दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके लिए निकल के आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है विक्रम है, ऑप्शन नंबर बी विकास है, ऑप्शन नंबर सी विजय है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आकाश है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है विक्रम। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पर आपको रोवर का भी नाम पता होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए अभिनव, ऑप्शन नंबर बी अक्षय, ऑप्शन नंबर सी प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गगन है। तो चंद्रयान 2 के रोवर का जो नाम था वो था आपका प्रज्ञान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि चांद पर पानी की मात्रा का अध्ययन करना। तो जी हाँ ये आपका एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि चांद के वातावरण का अध्ययन करना। तो जी हाँ ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सी जो है चांद पर मौजूद खनिज और रसायनों के बारे में पता करना। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तो चंद्रयान 2 के जो उद्देश्य वो कौन कौन से, सबसे पहला तो है कि चांद पर पानी की मात्रा का अध्ययन करना, चांद के वातावरण का अध्ययन करना, और चांद पर मौजूद खनिज और रसायनों के बारे में पता लगाना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मिशन चंद्रयान 2 पर कितना लागत आया है, मतलब कोस्ट जो है वो कुल कितनी है मिशन चंद्रयान 2 की। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 650 करोड़, 978 करोड़, 750 करोड़, 880 करोड़। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 978, 978 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च करने में यहाँ पर आया है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि सबसे ताकतवर रॉकेट
GSLV Mark 3 का वजन कितना है? तो देखिए ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV Mark 3 का वजन कितना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 740 टन, ऑप्शन नंबर बी 640 टन, ऑप्शन नंबर सी क्या है 750 टन, ऑप्शन नंबर डी क्या है 540 टन। तो इसका आंसर होगा आपका सही क्या हो जाएगा 740 टन। तो 740 टन वजन है जो कि GSLV Mark 3 का वजन है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह से कितना किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो यह भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए 200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 300 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है 100 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका 500 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में ये चक्कर लगाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि चंद्रयान 2 लैंडर जिसको क्या बोला जाता है विक्रम का वजन कितना है। दोस्तों ये जो है आपको याद रखना है, वजन भी पूछा जा सकता है आपकी एग्जाम में। देखिए ए जो है 1475 किलोग्राम, बी जो है 1471 किलोग्राम, सी जो है 1473 किलोग्राम और डी है आपका 1479 किलोग्राम। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1471 kg इसका क्या है लैंडर यानी विक्रम का वजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 के रोवर यानी प्रज्ञान का वजन कितना है। देखिए रोवर जो है वो प्रज्ञान को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चंद्रयान 2 के रोवर यानी कि प्रज्ञान का वजन कितना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर 25 kg है, ऑप्शन बी 27 kg, ऑप्शन सी 28 kg और ऑप्शन नंबर डी क्या है 29 kg। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 kg जो है रोवर प्रज्ञान का वजन है चंद्रयान 2 का। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चंद्रयान 2 का कुल वजन कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये कि चंद्रयान 2 का कुल वजन कितना है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर 3810 kg, 3820 kg, 3840 kg और 3850 किलोग्राम। तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3850 किलोग्राम जो है चंद्रयान 2 का कुल वजन है। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मिशन चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मिशन डायरेक्टर कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को कि मिशन चंद्रयान 2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा मिशन डायरेक्टर कौन है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, मुथैया वनिता, ऑप्शन नंबर बी रितु करिधार, ऑप्शन नंबर सी सुनीता नारायण, ऑप्शन नंबर डी क्या है ए और बी। तो देखिए मिशन चंद्रयान 2 की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है मुथैया वनिता है और मिशन डायरेक्टर जो है वो है रितु करिधाल है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चंस का सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि मिशन चंद्रयान 2 के तीनों हिस्सों का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर यह कि मिशन चंद्रयान 2 के तीनों हिस्सों का नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑर्बिटर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो है आपका लैंडर है, ऑप्शन नंबर सी रोवर है और ऑप्शन नंबर डी क्या है उपयुक्त सभी। तो मिशन चंद्रयान 2 के तीनों हिस्सों का नाम जो है वो है आपका ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है और रोवर भी है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहे रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसा कि आप सभी को बताया कि आपकी जो है रिसेंटली जो है एसएससी एमटीएस का पेपर आने वाला है जो कि आपका 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, उसी के बाद आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी एग्जाम होने वाले हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो इस वीडियो को देखे बिना आप मत जाना, क्योंकि मिशन चंद्रयान 2 से जो है हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।